हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब फॉर शॉर्ट्स पे। आज हम आपके लिए ट्विटर का एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है, हाँ आपने सही समझा, हिजाब। तो चलिए गाइस, हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल मामला कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज का है, जहाँ एकदम से कुछ लड़कियाँ कॉलेज में हिजाब पहन के आने लगी। और जब उन्हें कॉलेज के मैनेजमेंट ने स्कूल ड्रेस पहन के आने के लिए बोला, तो वो लड़कियाँ कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करने लगी। ये तो वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। जैसे ही ये खबर ट्विटर से पैसे कमाने वाले पत्रकार के पास पहुंची, तो वो तुरंत उन स्टूडेंट्स को भड़काने, अपनी जेब गर्म करने के लिए उन लड़कियों को भड़काने लगे। यही नहीं, कॉलेज के मैनेजमेंट ने इस सब के बाद भी उन लड़कियों को साफ कर दिया कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आइए बाकी बच्चों की तरह। ट्विटर पत्रकार ने इस मुद्दे से पैसा कमाने के लिए इसे बड़ा बनाना स्टार्ट किया और ये मुद्दा हाईकोर्ट में चला गया। इसके बाद कॉलेज के जो दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पहन के आने लगे और उनको भी कॉलेज में मैनेजमेंट ने एंट्री देने से मना कर दिया। जब कॉलेज मैनेजमेंट से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये लड़कियां आज तक ड्रेस फॉलो कर रही थी, बट अभी 4-5 दिन से ये सब स्टार्ट हुआ है। अब ट्विटर के पत्रकार जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें पैसे कमाने का मौका मिल गया। और अगर आप इन पत्रकारों की पुरानी ट्वीट्स देखेंगे, तो ये लोग खुद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हिजाब को गलत बता रहे थे। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे में एंट्री मार लिया और हमें अब लगता है कि अब दोबारा सीएए की तरह कोई धरना होगा, क्योंकि कांग्रेस कैसे भी सत्ता में आना चाहती है।